चक्रवाती तूफान मिचौं का असर गुरुवार को बिहार एवं झारखंड के कई जिलों में देखा गया। भागलपुर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दिन भर रुक रुक कर बूंदाबूंदी बारिश होती रही, जिसके कारण 24 घंटे के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। बुधवार को जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा, वहीं गुरुवार को 19 डिग्री पर पहुंच गया। बारिश के कारण एक ओर जहां ठंड में वृद्धि हुई है, वहीं शहर की सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही भी कम दिखी। दिन में भी वाहन चालक अपनी गाड़ी का लाइट जलाकर जाते दिखे। भागलपुर समेत जिले भर में हो रही बारिश को लेकर BIU के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि जिले में गुरुवार से 11 दिसंबर के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। गुरुवार से दक्षिण पूर्वी हवा चलने की आशंका है, जिससे भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज समेत राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। BPSC द्वारा आयोजित द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जिले में 42,328 परीक्षार्थी अलग अलग दिनों में शामिल होंगे। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए अलग अलग दिनों के लिए परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया गया है। जिले में 5 दिन परीक्षा होगी, इनमें 3 दिन सबसे अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिले में BPSC द्वितीय चरण नियुक्ति के तहत सामान्य स्कूलों के साथ कल्याण विभाग अंतर्गत चलने वाले स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली जा रही है। जिले में 8, 9, 10, 14 और 15 दिसंबर को परीक्षा होगी और इन 5 दिन में 75 केंद्रों पर 36,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पहले दिन शुक्रवार को 8 दिसंबर से 12 केंद्रों पर 5,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 9 दिसंबर शनिवार को 37 केंद्रों पर 18,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर DM ने सभी केंद्राधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। बता दें कि परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक संचालित होगी। भागलपुर में आशा कार्यकर्ता अब घर घर जाकर लोगों से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी और उस परिवार का फोल्डर भी तैयार करेगी। इसको लेकर भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद जिले के सभी प्रखंड में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर फैमिली फोल्डर तैयार करेगी, जिसमें लोगों से यह पूछेंगी कि उनकी उम्र कितनी है, घर में कौन कौन है, घर पक्का है या मिट्टी का बना हुआ, शौचालय की स्थिति क्या है, पीने के पानी व बिजली की क्या व्यवस्था है, घर में मोटर गाड़ी, बाइक, कार, खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन का उपयोग हो रहा है। कुछ ऐसे ही सवाल आशा पूछेंगी और उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर भी करवाएंगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी ने आशा से कहा कि आपकी मेहनत से ही हम स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं और जब हमें पता चलेगा कि कितने लोगों में किस तरह की बीमारी है, तभी उसका इलाज कर पाएंगे। गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार मनस्वी ने बताया कि 9 पेज के आवेदन फॉर्म में महिला, पुरुष, बच्चे एवं वृद्धों में होने वाली प्रमुख बीमारियों की जानकारी जुटाने के कॉलम बने हुए हैं। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि सरकार को पता चल सके कि हमारे नागरिक कितने स्वस्थ हैं और कितनों को इलाज की जरूरत है। गैर संचारी रोग NCD रोग का प्रशिक्षण है, गैर संचारी रोग का, हाँ, जो जिसमें 5 तरह की बीमारी के बारे में बताया जाता है। उसमें जो है एक हो जाता है BP, ब्लड प्रेशर, एक होता है शुगर, और 3 कैंसर जो है, कैंसर 3 तरह का होता है, माउथ कैंसर और स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को बच्चेदानी की मुटा कैंसर। ये 5 तरह की बीमारी के बारे में गैर संचारी रोग में हम लोग अभी बता रहे हैं, जो पहले से बताया जा चुका है, लेकिन सभी आशा को मोबाइल मिला हुआ है। मोबाइल पे एक ऐप है, NCD का ऐप है, उस NCD के ऐप में CVAC फॉर्म और फैमिली फोल्डर भरने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण में हम लोग अभी लोगों को, आशा लोगों को और NM को बता रहे हैं। कितने आशा लोगों को अभी जो है 28 आशा, 2 फैसिलिटेटर और 4 NM। एक दिन में हम लोग 28 आशा, 2 फैसिलिटेटर, 30 और 4 NM, 34 का प्रशिक्षण होता है। अभी 35 से 34 को आई हुई है। तो कितने प्रखंड से आशा लोग आए? टोटल भागलपुर में 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में सभी को बुलाया।
भागलपुर में वर्ष 2023 का अंतिम लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित होगा, जिसमें भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अलावा कहलगांव और नौगछिया में भी कोर्ट लगाया जाएगा। इसको लेकर लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों की सुनवाई हो, इसके लिए जल्द से जल्द सभी को नोटिसों का तामीला कराने पर जोर दिया जा रहा है। बुधवार को CGM ने DSP समेत जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि 9 दिसंबर को साल के अंतिम लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई हो सके। लोक अदालत में आपराधिक समन्वय मामले, मोटर दुर्घटना, ऋण वसूली, श्रम विवाद, बिजली, बैंक, भूमि विवाद, वैवाहिक विवाद समेत कई मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जाएगा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, थुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार 24 हबीब अकादमी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मुलाकात कर उन्हें सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बोनवेलेंट फंड में अंशदान भी किया और देश के बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियां अमर हैं, वे अपने जान के मूल्यों पर राष्ट्र में आए बाह्य और आंतरिक संकटों का मुकाबला बहादुरी के साथ करते हैं। इन बहादुर सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए उन्होंने राज्यवासियों से बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बोनवेलेंट फंड में अंशदान किए जाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि आपका यह अंशदान बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह, सब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, गृह विभाग के सचिव के सैंथिल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार, सैनिक कल्याण निदेशालय के संयुक्त सचिव परवेज आलम, सैनिक कल्याण निदेशालय के उप सचिव प्रशांत कुमार, पटना जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी कर्नल मनोज कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।